मित्र, जो मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है, ट्राइबल एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों में मैं दो स्कीम्स के बारे में आपके सामने उल्लेख करूंगा। एक का बंधन विकास केंद्र योजना, ट्राइफेड पहले था, देश में 325 बंधन विकास केंद्र की रचना की गई, प्रोडक्ट स्पेसिफिक। लगभग 10 लाख जनजाति लाभार्थी, 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसमें जुड़ रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट की अच्छे से उत्पादन हो, पैकेजिंग हो, GI-TAG से जुड़ पाए, ब्रांडिंग हो, एक नेशनल मार्केट नेटवर्क में जुड़ पाए, ई नाम के थ्रू हो या अदर, आज Amazon, Flipkart ऐसे प्लेटफॉर्म को भी ट्राइबल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। हम लोग भी उसकी सब ट्राइबल हो या अन्य उत्पादित केंद्र में उसको हम देख पा रहे हैं। वैसे ही दूसरा एक महत्वाकांक्षी योजना है MSME विभाग के द्वारा स्फूर्ति स्कीम में, जिसमें लगभग 500 क्लस्टर चलती है, उसमें से 273 क्लस्टर, 273 क्लस्टर में विशेष करके उसकी प्रायोरिटी आर्टिसंस को लेके हैं। लगभग 60,000 आर्टिसन उसमें से जुड़े हुए हैं। वो पेंटिंग हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो या म्यूजिक हो, ट्राइबल कम्युनिटी, ST कम्युनिटी कल्चरली बहुत डीप रूटेड है। उसकी बारे में सरकार की ठोस योजनाएं बनी है। आज पहली बार देश में मोदी जी की सरकार में लगभग 87 आइटम्स के ऊपर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर MSP दिया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। कल जो हम सभी लोगों ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर को भारत के नेतृत्व में विश्व में शुरू किया गया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स की एक कार्यक्रम कल पार्लियामेंट में हुआ, मिलेट एक प्रायोरिटी की विषय है विश्व में अभी, उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी ट्राइबल है। क्योंकि आप सब देश के विभिन्न इलाका से आते हैं, आपको ही अनुभव है, ये जो आज मोटी अनाज की बात कही जाती है, इसकी नाम अनेक राज्य में अलग अलग प्रकार की है, मूलतः ये ट्राइबल प्रोड्यूस है। कहीं रागी हो, कहीं मंडुआ हो, कहीं मांडिया हो, कहीं कंगनी हो, इसकी जो अनेक नाम अनेक रूप में है, ये मोटा मोटी बरसाती खेती के अंदर ट्राइबल इलाका में असमतुल जमीन में होते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी की पहल से, भारत की पहल से, भारत की ट्राइबल प्रोड्यूस जो एक न्यूट्रियस फूड है, इंडिजिनस फूड है, उसको एक ग्लोबल मार्केट स्पेस मिलेगा। और G20 में मिलेट को हमारी मेजबानी में एक प्रमुख विषय बनाया जा रहा है। अभी मैंने कहीं देखा आप लोगों के माध्यम से, जयशंकर जी विदेश में कहीं मिलेट लंच दिए, कल पार्लियामेंट ने मिलेट लंच को सेलिब्रेट किया, और इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री की जी के वहां जो विश्व के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जी आग्रह से कोई ना कोई मिलेट की डिश उनको खिलाते हैं। इसकी सीधा लाभ ट्राइबल को मिलने वाला है, देश की दुरंत इलाकों को मिलने वाला है।